बाद में ईसा टिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानाइल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए।